देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की शादी 6 महीने पहले हुई, मगर कुछ दिन पहले वो अपने मायके आई थी। इस दौरान उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल के लोग उसकी बेटी को परेशान करते थे। इसे लेकर पीड़ित सहसपुर थाने भी पहुंची थी, मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस अब मामला दर्ज तो कर चुकी है, मगर सवाल ये है कि समय रहते कार्रवाई होती तो क्या जरूरी है कि इस पूरे मामले की गंभीरता तभी सिद्ध हो पाएगी जब कोई विवाहिता फांसी लगा करके अपनी जिंदगी खत्म कर ले। जब तक वो अपनी जान ना दे, क्या उसकी समस्या को समस्या की तरह नहीं सुना जाएगा? ये बड़ा सवाल है। तो 6 महीने शादी हुई थी और इस बताया जा रहा है कि परेशानियों को लेकर के शिकायत की जा चुकी थी, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं। इसका दबाव बनना शुरू हो गया और उसके बाद मेरी बहन ने खुद 29 अक्टूबर 2022 को जाकर थाने में तहरीर दी थी, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया होता तो मेरी बहन आज जिंदा होती। इस संबंध में मेरे जो संज्ञान में आया है, उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पे काउंसलिंग हेतु उस प्रार्थना पत्र को भेजा गया था और आज उस पे जो है मुकदमा पंजीकृत हो गया है और विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग से है। ठगी करने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा है, पर्दाफाश किया है। ये गैंग एटीएम बदलकर लोगों के पैसे निकाल लेता था। 17 अक्टूबर को इसी गैंग ने एटीएम बदलकर एक महिला से 1,35,000 की ठगी की थी। इस मामले में 17 दिन के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट ने जेल भी भेज दिया है। पुलिस ने इस गैंग का खुलासा कर सीसीटीवी साइबर सेल की मदद से इसका खुलासा किया, ये भी खबर आ रही है। गिरफ्तार किए गए वीरेंद्र उर्फ बिंदर के पास कुछ नकली नकदी भी मिले हैं, कैश भी मिले हैं और बाकी 3 साथियों की अब तलाश की जा रही है। खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा करने वाले। सुबह 11 बजे सचिवालय में एक समीक्षा बैठक है और इस बैठक में स्मार्ट सिटी के सीईओ बड़े अधिकारी शामिल होने वाले हैं। बैठक में राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों को जल्द से जल्द निपटाने पर चर्चा होनी है। स्मार्ट सिटी का कामकाज कहां तक पहुंचा, आज इसी को लेकर के 11 बजे बड़ी बैठक बताई जा रही है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के सीईओ मौजूद रहेंगे और अब ये बताना होगा कि स्मार्ट सिटी को लेकर के कितना काम हुआ है, किस रफ्तार से काम हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।